Hello humans, welcome back to my channel. My name is Shamim and I'm a first year medical student at Kazan State Medical University, Russia. और आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, NMC FMG ड्राफ्ट के बारे में। तो NMC ने 23 अप्रैल को फॉरेन मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए एक ड्राफ्ट निकाला है जो कि कुछ नए रूल्स एंड रेगुलेशंस लाने की बात करता है। और मेरे हिसाब से इस ड्राफ्ट में एक दो पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि काफ़ी हद तक डिस्क्रिमिनेट करते हैं इंडियन मेडिकल स्टूडेंट्स और फॉरेन मेडिकल स्टूडेंट्स में। यूट्यूब पे इस टॉपिक के रिगार्डिंग बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, वो सब की सब वीडियोस एजेंट्स ने बना के रखी हुई हैं और उन्होंने एक दो क्लॉज में इतना कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया है कि बच्चों को समझ नहीं आ रहा कि एक्चुअली में ये क्लॉज कहना क्या चाह रहे हैं, ड्राफ्ट का मतलब क्या है। तो मैं इस वीडियो के थ्रू उस ड्राफ्ट में जो कि कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स हैं उनको सिंपल वर्ड्स में समझाने की कोशिश करूंगा। बट मैं ये आपको फिर से बोलना चाहूंगा कि ये सिर्फ एक ड्राफ्ट है, ये कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है। और NMC ने अपने ड्राफ्ट में ये साफ साफ कहा है कि दे आर ओपन टू कॉमेंट्स एंड फीडबैक। तो मैं इस वीडियो के आगे के पार्ट में बताऊंगा कि आप कैसे NMC को अपना फीडबैक और सजेशंस दे सकते हैं इस ड्राफ्ट के लिए। तो मेनली इस ड्राफ्ट में तीन क्लॉज हैं और क्लॉज 3.1 और 3.2 में काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हो रखी है स्टूडेंट्स में। तो पहले मैं सारे क्लॉज को एक एक करके समझाऊंगा, देन वीडियो के एंड में अपने ओपिनियंस दूंगा कि अगर ये ड्राफ्ट एक ऑफिशियल रूल बन जाता है, एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन बन जाता है तो इसका क्या असर पड़ेगा MBBS अब्रॉड स्टूडेंट्स पे। तो इस ड्राफ्ट के पहले क्लॉज में ये लिखा हुआ है कि दिस रेगुलेशंस में वी कॉल द फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट रेगुलेशंस 2021 एंड दे शैल कम इनटू फोर्स फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट। तो मतलब कि अभी ड्राफ्ट है और इसको ऑफिशियल बनने के लिए एक ऑफिशियल गैजेट आएगा, उसके बाद ये रूल बनेगा। फिर सेकेंड क्लॉज में इन्होंने फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स को डिफाइन किया है और प्राइमरी मेडिकल क्वालिफिकेशन को डिफाइन किया है कि ये दोनों एक्चुअली होते क्या हैं। तो ये सेकेंड क्लॉज में भी बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। जो सारा महाभारत स्टार्ट होता है वो होता है थर्ड क्लॉज से। थर्ड क्लॉज में इन्होंने डिफाइन किया है कि कौन इंडिया में मेडिकल प्रैक्टिस कर सकता है। और ये थर्ड क्लॉज दो टाइप ऑफ बच्चों को कंसर्न करता है। पहले बच्चे जो कि अपना हाई स्कूल किसी फॉरेन कंट्री से ही कंप्लीट करते हैं, अपना हाई स्कूल भी और अपना MBBS की डिग्री भी किसी फॉरेन कंट्री से ही कंप्लीट करते हैं। दूसरा उन बच्चों के लिए है जो बच्चे इंडिया में अपना 12th करके नीट दे करके किसी फॉरेन कंट्री में MBBS करने जाते हैं। तो क्लॉज 3.1 इंडियन बच्चों के लिए है जो कि नीट दे रहे हैं या नीट पास कर चुके हैं, उनके लिए है। तो जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हो, क्लॉज 3.1 में उन्होंने सिर्फ यही बताया है कि MBBS अब्रॉड के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। वही नॉर्मल बेसिक वाले कि आपको 12th कंप्लीट होना चाहिए और नीट UG क्वालिफाई होना चाहिए। तो क्लॉज 3.1 में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये जो क्लॉज 3.2 है जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ये उन बच्चों के लिए है जो कि NRI हैं, जो अपना हाई स्कूल और मेडिसिन की डिग्री भी बाहर से ही कंप्लीट करके आते हैं और इंडिया में मेडिसिन प्रैक्टिस करना चाहते हैं। ये क्लॉज 3.2 सिर्फ और सिर्फ NRIs के लिए है। बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स में ये कन्फ्यूजन है कि ये क्या हमारे लिए है, तो नहीं, ये बिल्कुल हमारे लिए नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ NRIs के लिए है। तो क्लॉज 3.2 में इन्होंने सिर्फ यही बताया है कि आपका 12 ईयर्स का स्कूलिंग होना चाहिए और उसके बाद 4 या 4.5 साल का MBBS या मेडिसिन का डिग्री होना चाहिए, उसके अलावा 1 साल का इंटर्नशिप होना चाहिए और वो इंटर्नशिप इंडिया में जो इंटर्नशिप होता है उसके प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ ये यूरोपियन कंट्रीज़ और UK US की बात कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ की जो इंटर्नशिप्स होती है वो इंडिया की इंटर्नशिप से थोड़ी थोड़ी मैच करती है। तो क्लॉज 3.2 में ABCD पॉइंट दिए हुए हैं, इसको पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, हम इंडियन बच्चों के लिए बिल्कुल भी कोई कंसर्न वाली बात नहीं है। जो सबसे ज़्यादा दिक्कत देने वाली बात है वो है क्लॉज 3.3। इनमें इन्होंने दो चीज़ें बताई हैं। पहला कि MBBS अब्रॉड कंप्लीट करने के बाद फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स को FMG का एग्ज़ाम देना पड़ेगा या नेक्स्ट देना पड़ेगा अनटिल इट बिकम्स ऑपरेशनल। द नेशनल एग्जिट टेस्ट एग्जामिनेशन शैल कंसिस्ट ऑफ नेक्स्ट स्टेप 1 एंड नेक्स्ट स्टेप 2। यहाँ तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर FMG स्टेप 1 विल ऑल्सो कंक्लूड एन एडिशनल पेपर टू एसेस द नॉलेज ऑफ प्री एंड पैरा क्लिनिकल सब्जेक्ट्स ऑल्सो। ये सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल लाइन है कि फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स को एक और एक्स्ट्रा एग्जाम देना पड़ेगा स्टेप 1 के अलावा उनके प्री और पैरा क्लिनिकल नॉलेज को टेस्ट करने के लिए। ये क्यों डाला गया है मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है, जबकि नेक्स्ट लाने का मकसद ही यही था, एक यूनिफॉर्मिटी क्रिएट करने के लिए इंडियन स्टूडेंट्स और फॉरेन मेडिकल स्टूडेंट्स में। बट अभी ये लोग इनका अपना दिमाग चेंज कर लिए हैं और एक एडिशनल पेपर ला रहे हैं, ये मुझे बिल्कुल भी एकदम अनजस्टिस लगता है, एकदम अनफेयर डिसीजन लगता है।
और एक और बात इन्होंने इस क्लॉज में बोली है वो ये है कि फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स आर रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई स्क्रीनिंग टेस्ट इन इंडिया विद इन 2 ईयर्स ऑफ कम्प्लीटिंग द MBBS अब्रॉड। ये भी एक काफ़ी स्टैगरिंग पॉइंट है। इसमें ये लोग ये बोल रहे हैं कि आपको MBBS अब्रॉड कम्प्लीट करने के बाद सिर्फ और सिर्फ 2 साल मिलेंगे आपको स्क्रीनिंग टेस्ट कम्प्लीट करने के लिए, और गॉड नोज कि अगर आप 2 साल में अपना स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं कंप्लीट कर पाते हो, नहीं क्लियर कर पाते हो, तो आपकी डिग्री का क्या होगा, वो लोग तो NMC वाले ही जाने, क्योंकि बिकॉज इनके ड्राफ्ट में कोई भी चीज़ क्लियर नहीं है एज़ यूजुअल। आपको याद होगा जब नेक्स्ट का ड्राफ्ट आया था तो उसमें भी इन्होंने बस रैंडम पॉइंट्स लिख दिए थे, कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं दिया गया था, और एक साल हो गया आज तक भी नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं है, बस हवा में नामबाजी हो रहा है कि हाँ नेक्स्ट होगा। तो NMC का आदत ही यही है कि सिर्फ और सिर्फ कन्फ्यूजन क्रिएट करना स्टूडेंट्स में, बच्चों के दिमाग में एक प्रेशर डाल देना, एक स्ट्रेस डाल देना, और इनका काम ही यही है ड्राफ्ट लाना, बस और बस ड्राफ्ट लाना और कन्फ्यूजन क्रिएट करना। कुछ चीज़ें हैं इस ड्राफ्ट में जो कि बिल्कुल अनक्लियर हैं, लाइक इसमें इंटर्नशिप की बात की गई है। तो पहले ये होता था कि बांग्लादेश, नेपाल और चाइना जैसी कंट्रीज़ का इंटर्नशिप इंडिया में वैलिड होता था, वहाँ के स्टूडेंट्स को वापस आने के बाद 1 साल का इंटर्नशिप नहीं करना पड़ता था, बट अभी क्या उनके इंटर्नशिप वैलिड रहेंगे इंडिया में, वो भी क्लियरली ड्राफ्ट में स्पेसिफाई नहीं किया गया है। और ऑनेस्टली इस ड्राफ्ट को देखने के बाद तो मेरा ओपिनियन यही है कि NMC वाले यही चाहते हैं कि बच्चे अब्रॉड ना जाएं MBBS करने, इंडिया में ही रहें, प्राइवेट कॉलेज में जाएं, 1.5 करोड़ दें और इनकी जेब भर दें। आप खुद सोचो, अगर आपको एक एक्स्ट्रा एग्ज़ाम देना पड़ेगा, आपको अभी भी डिस्क्रिमिनेट किया जाएगा, आपको सिर्फ और सिर्फ 2 साल मिलेगा, तो कौन पेरेंट्स अपने बच्चों को MBBS अब्रॉड के लिए भेजेगा। ये क्लियर कट डिस्करेज कर रहा है बच्चों को MBBS अब्रॉड करने से। बट अभी भी हमारे पास टाइम है, NMC ने बोला है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ अभी एक ड्राफ्ट है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दूंगा जहां पर जा करके आप अपना कमेंट छोड़ सकते हो, फीडबैक छोड़ सकते हो NMC की वेबसाइट पे इस ड्राफ्ट के रिगार्डिंग, और उनको आप बता सकते हो कि आप कितने नाखुश हो इस ड्राफ्ट से। और अगर NMC से कोई वीडियो देख रहा हो तो सर मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ नेक्स्ट को लाने का जो मकसद था उसको पूरा कीजिए, एक यूनिफॉर्मिटी लाइए, ये डिस्क्रिमिनेशन लाने का कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे टाइम में जहाँ पर इंडिया में डॉक्टर्स की सख्त ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर्स की ज़रूरत है, वहाँ पर आप लोगों को डॉक्टर बनने के लिए डिस्करेज कर रहे हो। प्लीज़ अगर NMC से कोई भी वीडियो देख रहा हो तो हमारी रिक्वेस्ट को प्लीज़ कंसिडर कीजिए और इस ड्राफ्ट में कुछ चेंजेस लाइए। मैं इस ड्राफ्ट का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप जा करके डाउनलोड करके इसको खुद अच्छे से एक बार पढ़ सको, अच्छे से समझ सको। और वीडियो को अब एंड करते हैं, और एंड करने से पहले मैं यही बोलूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, ताकि लोगों को अवेयरनेस फैले, इन्फॉर्मेशन पहुँचे कि हाँ कुछ ऐसा NMC ने ड्राफ्ट निकाला भी है। अपने MBBS अब्रॉड फ्रेंड्स में ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और अगर आपको मेरा कॉन्टेंट पसंद आया हो तो लाइक कर देना, और अगर नहीं पसंद आया हो तो 2 बार डिसलाइक कर देना, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय। It's hard to breathe, but that's alright.